सब्सक्राइब करें कुकिंग गुरु सुधा चैनल को, दबाएं बेल आइकन नई रेसिपी को देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग गुरु सुधा। मैं आपकी सुधा रानी गुप्ता आज आपको बनाना सिखाएंगे दूध वाली मीठी सिवई। तो आइए देख लेते हैं इसकी तैयारी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। जौ वाली सिवई, ताजा गाढ़ा दूध, देसी घी। अगर देसी घी आपको बनाना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके सीख सकते हैं। दानेदार शक्कर, इलायची, कुछ ड्राई फ्रूट। आइए सबसे पहले हम सिवई भूनने की तैयारी करते हैं। 2 चम्मच देसी घी डाल के अच्छे से देखिए गरम कर लिया है। इसमें सिवई डाल देते हैं और धीमी धीमी आंच में इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए सिवई मेरी अच्छे से भुन गई है और इसमें इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। देखिए गोल्डन हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं दूध। तो चला लेंगे इस तरह और धीमी आंच में कम से कम इसको 10 मिनट के लिए हम बीच बीच में चला चला के इसको पका लेंगे अच्छे से। उसको ढकेंगे नहीं, ऐसे खुला रहने दीजिए, बस धीमी आंच रखिए बस। ये देखिए सिवई बनके मेरी तैयार हो गई है। देखिए अच्छे से पक गई है। एक सिवई हम आपको दिखाते हैं छू के। देखिए इसको दबा के आप देखेंगे तो बिल्कुल देखिए दब जाएगी। समझ जाइए सिवई पक गई है। एक पहचान ये भी है कि देखिए सारी सिवई फूल जाती है, जितनी आप सिवई बनाएंगे उसका थोड़ा डबल हो जाएगा। हम गैस बंद कर देते हैं। इलायची पाउडर डाल देते हैं इसमें, किशमिश, कुछ ड्राई फ्रूट जो पैर बारीक बारीक कटे हुए हैं। सबसे आखिरी में हम शक्कर डालेंगे। इसको भी चला के 5 मिनट लिए हम ढक के छोड़ देंगे ताकि शक्कर अच्छे से इसमें सिवई में घुल जाए। उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग की तैयारी करेंगे। ये देखिए हेल्दी मीठी सेवइयां तैयार है। आप भी अपने चैनल जरूर बनाएं और टेस्ट करें और हमें बताएं कि ये सेवई आपको कैसी लगी। मैं सुधा रानी गुप्ता आपसे फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।